हरदा में हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, हरदा धमाकों से दहल गया है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मैं हूं अपर्णा मौजम और हरदा में क्या हुआ था आपको एक बार फिर बता देते हैं कि यहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण ब्लास्ट। इस ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की जान जाने की खबर है, 120 से ज्यादा लोग घायल हैं। पटाखों की ये फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। फैक्ट्री में धमाका इतना जोरदार हुआ था कि कई मुसाफिर गाड़ियों के साथ दूर तक उछल गए थे। पूरे शहर में धमाके की गूंज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। करीब एक घंटे तक, जी हां 60 मिनट तक यहां धमाके होते रहे। बताया गया कि फैक्ट्री के नजदीक बने घरों में भी बारूद रखा हुआ था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई जिलों से यहां मदद पहुंची। फैक्ट्री अनफिट थी। जी हाँ, धमाके के बाद ये बताया गया कि फैक्ट्री अनफिट थी। घटना के बाद पटाखा फैक्ट्री का मालिक राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश फरार है। तो वही मलबे के हटाने के दौरान भी धमाका हुआ। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो बता रही हैं कि क्या यहां पर हुआ था। और ब्लास्ट का नया वीडियो अब सामने आ गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पाएंगे News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, किस तरह से यहां ब्लास्ट हुआ, उसके बाद क्या मंजर था ये देखिए। धमाके की इंटेंसिटी देखिए। जो लोग वहां बाहर सड़क से गुजर रहे थे वो भी हिल गए, गाड़ियों के साथ दूर तक उछलकर गिर गए। धुएं का गुबार देखिए, आग की लपटें देखिए और अफरा तफरी देखिए। ये हादसे की भयावहता बताने के लिए काफी है तस्वीरें। ये दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर। दूर दूर तक लोग उछल गए, दीवार से कूदकर वहां जान बचाते हुए लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से वो कूदकर बाहर आ रहे हैं। चोटिल भी हुए हैं, भगदड़ में कई लोग। और देखिए वहां जो आसपास का इलाका है वहां से लोग किस तरह से दीवार कूदकर बाहर वाले हिस्से की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो, ये नया वीडियो सामने आया है टीवी स्क्रीन पर जो आप इस समय देख पा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें। और देखिए दूर तक इसका प्रभाव हुआ है। जो कई किलोमीटर दूर सड़क से लोग गुजर रहे थे वो यहां पर उछलकर गिर गए। कंपन उन्होंने महसूस की है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैमरा हाथ से पूरी तरह से शेक हो गया। लोग दीवार कूदकर बाहर आने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। भगदड़ मच गई थी। इतना बारूद वहां पर रखा हुआ था कि घंटे भर तक धमाके होते रहे। 60 मिनट तक सोचिए लगातार धमाके हो रहे थे। और धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर लोगों ने उस धमाके गूंज को सुना है। शहर का हर हिस्सा हिल गया इन धमाकों से। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां अभी फिलहाल रोक दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन रोके जाने के पीछे की वजह क्या है आपको बता रहे हैं, क्योंकि मलबे में लगातार धमाके हो रहे हैं। लाइव कवरेज हमारे सहयोगी वासु वहां पर पहुंचे हुए थे, लगातार वहां का हाल, वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। और जिस समय वो ये हाल बता रहे थे तभी हुआ वहां पर धमाका, एक और धमाका। और तभी एक और धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। वो आवाज हम आपको सुनाएंगे जब लाइव कवरेज के दौरान वहां पर धमाका हुआ और वासु वहां उस समय मौजूद थे। उनकी आवाज आपको सुनाई देगी धमाके की आवाज के साथ, जहां वो बताएंगे कि कैसे ये धमाका हुआ उनकी आंखों के सामने। जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था, बारूद हो सकता है कहीं भी इस मलबे के ढेर में नीचे,
तो रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र और वासु ग्राउंड जीरो पर ही डटे हुए हैं लगातार आप तक हर जानकारी पहुंचाने के लिए। अभी हम शैलेंद्र का रुख करेंगे जो वहां से आपको पल पल की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी वहां स्पॉट से हासिल कर आप तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, वापस हम आपका रुख कर रहे हैं, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ रोक दिया गया है। देखिए बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन को केवल इस दिशा में रोका गया था कि जो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वहां काफ़ी बारूद है और जिस तरह से विस्फोटक सामग्री अंदर है किसी को पता नहीं है। लेकिन अब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, या पानी की बोछारें आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर उस बारूद को ठंडा करने के। उसके ऊपर लगातार जो मलबा है उस पर पानी डाला जा रहा है यहाँ पर, उसको बुझाने के प्रयास जारी है। तो यहाँ अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं, जो 50 से ज़्यादा संख्या जिनकी बताई जा रही है, वो उन सबको निकालने वाला जो ऑपरेशन है वो फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन जो बाकी के जो काम है वो यहाँ पर बारूद को जो ठंडा करना है और वो काम अभी भी जारी है। जेसीबी आपको दिखाई दे रही होगी और लगातार करीब 120 से ज़्यादा पानी के टैंकर यहाँ पर लग चुके हैं, जो पानी डाला जा चुका है, क्योंकि 50 से 60 टन बारूद इस फैक्ट्री में था जो कहीं ना कहीं इस पूरे शहर को झुलसा सकता था। तो बहुत बड़ी मात्रा में यह बारूद था और अब जेसीबी और प्रशासनिक अमले के सामने जेसीबी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते को साफ करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि रेस्क्यू के लिए अंदर जो इसके बिल्ड इमारत के मलबे के नीचे दबे हैं, अगर कोई घायल है तो उसे निकालने की संभावना। लेकिन ये बात अब साफ है कि कल सुबह ही अब जो शव है या घायल है उन्हें कल सुबह ही निकाला जा सकेगा। अभी ये स्थिति लगातार बनी हुई है कि हमने यहाँ पर जो मयंक जैन है उनसे भी बात की थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अभी सभी टीमों को रोका गया है क्योंकि भीतर कितना बारूद है कोई नहीं जानता है, तो कोई भी अभी अंदर नहीं जा सकता है। मलबा हटाते समय हमारे साथी जब वासु ने भी आपने देखा होगा कि जब जेसीबी चल रही थी अचानक से वहाँ पर जेसीबी के ऊपर जाते से ही विस्फोट हुआ और बड़ा एक धमाका हुआ। ऐसे छोटे छोटे अभी धमाके लगातार हो रहे, कई जगह आग की लपटें निकल रही है और अलग अलग हिस्सों में वो नज़र भी आ रही। तो टीमों को भी पीछे किया गया है, अब केवल बड़ी गाड़ियों से जेसीबी और बड़े जो उपकरण हैं उनसे अभी सबसे पहले आग को ठंडा करना और उसके बाद बारूद को कम से कम भपके ये प्रयास करना, यही इंतजाम अभी है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि अब जो मरने वाले हैं या जो बिल्डिंग के अंदर जो दबे घायल हैं फैक्ट्री के नीचे, वो सब अब कल सुबह ही उनको निकालने का अभियान शुरू हो सकेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से यहां पर अब सुबह तक का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस मलबे के ढेर में कहीं भी एक बार फिर बारूद का धमाका होने की आशंका बनी हुई है। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जिस समय आप बता रहे थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे, उसी वक्त एक और ब्लास्ट वहां पर हुआ था, जरा बताएं आपने क्या देखा था उस समय? निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग लगातार साइट पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और जब वहाँ पे मलबा हटाने का काम जो चल रहा था, और ये मलबा हटाना इसलिए अपना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अभी भी स्थानीय लोगों की ओर से और जो यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी थे उनके परिवारजनों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये वो लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। लेकिन जब ये मलबा हटाया जा रहा था उसी वक्त एक बारूद के ढेर में ज़ोरदार धमाका होता है और वो कैसे धुएं का गुबार उठता है, आग वहां पर भभकती हुई दिखाई देती है, वो तस्वीरें हम लोगों ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई। और उसी दौरान में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो ऑफिसर यहां पर इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे बात भी मैं कर रहा था तो वो बता रहे थे कि इस तरीके के और भी ज्यादा जो धमाके होने की जो गुंजाइश है वो लगातार यहां पर बनी हुई है, क्योंकि जगह जगह बारूद के जो ढेर है वो लगाए गए थे। और ये भी बताया गया है कि इस फैक्ट्री के अंदर बारूद के तहखाने भी
ही थे, तो वहां पर भी अगर किसी तरीके से पानी का कोई रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन होता है, या फिर जेसीबी और पोकलेन जो मशीनें चल रही हैं वो वहां तक पहुंचती हैं, तो अचानक से उसमें ब्लास्ट हो जाता है और फिर वहां पे जोरदार धमाका होता है, बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। और जब ये तस्वीरें यहाँ पे सामने आ रही थी तो उस वक्त मुझे एक बार को अपना ये भी महसूस हुआ कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान जिस तरीके से बम ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आती थी, कुछ वैसा ही वो धमाका था। अगर मैं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं तो, क्योंकि हम लोग काफी नजदीक खड़े हुए थे उस वक्त, और जब वो पूरा धमाका हुआ तो हम लोगों को भी वहां से तत्काल पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके से ये जो पूरा हादसा पेश आया है, इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, हालांकि अब यहाँ पे रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, खेत के बीच में ये फैक्ट्री थी तो लाइट्स के बहुत ज्यादा यहाँ पे साधन नहीं है। पर काम फिलहाल जारी है। बिल्कुल वासु, बहुत सावधान रहिए आप और शैलेंद्र दोनों ही, क्योंकि आप जिस जगह पर है बहुत ही हाईली सेंसिटिव जोन यहाँ पर है। और देखिए आरोप लगाए जाते हैं पत्रकारों पर, लेकिन कितना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर आप दोनों इस समय कवरेज कर रहे हैं, दर्शक समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही संवेदनशील पूरा ये जोन है जहां पर आप दोनों इस वक्त वहां ग्राउंड जीरो पर हैं। और तस्वीरें लगातार आपके जरिए हम दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सीएम जो हैं बेहद सख्त हैं इस हादसे के बाद, और घटना की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। साथ ही मंत्रालय में बैठक भी ली है सीएम ने, और हरदा में मौजूद भोपाल कमिश्नर कलेक्टर से जानकारी हासिल की है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। तो प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता राशि का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। साथ ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि हर बार एक हादसा होता है, हादसे के बाद जांच होती है, लेकिन जांच के बाद भी हादसे नहीं रुकते हैं। और अब यहां पर सख्त कदम उठाए जाना बेहद जरूरी हो गया। रिहायशी इलाके में किस तरह से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यहां पर वासु हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। वासु का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। वासु, अब तक आपने वहां पर बहुत लोगों से बात की है इस पूरे हादसे को लेकर, क्या क्या खास इनपुट आपको मिल पाया है? निश्चित तौर पर देखिए, जो आसपास के रहवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो बेहतर रूप से इस फैक्ट्री को जानते थे और जहाँ पर बेहतर रूप से समझते थे कि किस तरीके से ये फैक्ट्री में काम होता था, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जाती थी और पहले भी छुटमुट जो हादसे हैं वो यहाँ पर होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। और देखिए रह रह के यहाँ पर लगातार जो धुआं और आग है वो उठ रही है, और अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तभी पीछे से देखिए वाटर कैनन चलाई गई और थोड़ी सी जो आग है वो उसको बुझाने का काम किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं अपर्णा, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि अभी भी और कितने लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, क्योंकि हादसा जितना बड़ा हुआ है, जिस तरीके से विस्फोट हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि अगर कुछ लोगों की इस पूरे मलबे में दब के मौत भी हुई होगी तो उनको पहचानना भी यहाँ पे दूभर हो जाएगा, उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी आप मान के चलिए कि इस दर्दनाक हादसे की एक बड़ी भयावह तस्वीर ये भी होगी कि कुछ परिजन जो हैं वो अपनों से अब कभी मिल नहीं पाएंगे, और मिलना तो बहुत दूर की बात है, अगर उनके अवशेष भी उन्हें मिल जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात होगी। ये सबसे बड़ी जो चिंता है वो जो है वो व्यक्त की जा रही है। और लगातार यहाँ पे देखिए आप, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन इस सब के बीच लोगों का ये कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग उस दौरान मौजूद थे, लोग जो है वो उस समय वहाँ पे काम कर रहे थे, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 से 3 दिनों के बाद जब ये पूरा मलबा
हट जाएगा यहाँ से। ये जो आग लगातार यहाँ पे धधक रही है, जब वो आग बुझ जाएगी तो वहाँ पे जो मृतकों की संख्या है वो और कितनी पहुँचती है, क्योंकि 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर तो आ ही चुकी है। एक दर्जन लोगों की इस पूरे हादसे में कहीं ना कहीं जान गंवाने की जो पुष्टि है वो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल लोग जो हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है। तस्वीरें इस समय भोपाल की आप देख रहे हैं। हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमीदिया अस्पताल में भी यहां घायलों को लाया गया है, हरदा से उनका ट्रीटमेंट जारी है। उन्हीं घायलों का हाल जानने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहाँ घायलों का हाल चाल वो जानेंगे, डॉक्टर से ब्रीफिंग हासिल करेंगे कि घायलों को इलाज के लिए क्या वहाँ पर किया जा रहा है, कितनी जो कंडीशन है उनकी कितनी गंभीर है, कितने क्रिटिकल हैं घायल, और इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं हमीदिया अस्पताल। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दुखद हादसा हरदा में हुआ है और उसकी जो अब उसको लेकर हर पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जहां यह हादसा हुआ वहां हमारे रिपोर्टर्स लगातार वहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में भी हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे आप तक हर तस्वीर वहां से पहुंचा रहे थे, और अभी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कि मुख्यमंत्री घायलों का हालचाल जानने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अभी क्या अपडेट आपके पास, सीएम पहुंचे हैं वहां? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, इस वक्त मुख्यमंत्री अस्पताल के अंदर गए, हालांकि मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी गई है, और चूंकि 12 जो मरीज हैं वो इसी अस्पताल में हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं, और एक हालांकि डेथ भी हो गई एक रहीम नाम के मरीज की, लेकिन अभी मुख्यमंत्री खुद अंदर गए हैं, एक एक मरीज का हालचाल भी जान रहे हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले मीटिंगें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी, कलेक्टरों को भी निर्देश दे दिया प्रदेश भर के जो कलेक्टर की, भाई आपके यहाँ पर क्या स्थिति है, जो पटाखा से जुड़ी फैक्ट्री हैं वो क्या वाकई नियम कानून के आधार पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी। दूसरा ये कि इस वक्त क्या स्थिति है, मरीजों के लिए किस तरह से इलाज दिया जा रहा है, ये सारी बातों की जानकारी डॉक्टरों से वो बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, अंदर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले अनाउंसमेंट भी, जो मृतक है उनके लिए मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट भी किया था, 4-4 लाख रुपए का अनाउंसमेंट भी किया गया है सीएम की तरफ से। हालांकि हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही वो बाहर निकले कुछ सवाल जरूर रहेंगे कि भाई आखिर गलती हुई कहां, दूसरी जिनकी गलती हुई उनके खिलाफ क्या और कब तक एक्शन होगा, अगर स्थिति बनती है सवाल पूछने की तो जरूर मुख्यमंत्री से कोशिश जरूर होगी इस पूरे मसले पर बात करने की। लगातार मीडिया जो सवाल है वो इंतजार कर भी रहा है कि मुख्यमंत्री से बातचीत करे, हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर हो गया, लगभग 5-7 मिनट हो गया है मुख्यमंत्री को अंदर गए हुए। विशेष वार्ड जो करीब 50 बेड हरदा हादसे के लिए सुरक्षित रखे गए थे बर्न वार्ड में, और 10 बेड जो एम्स है भोपाल का उसमें सुरक्षित रखे गए थे, हालांकि कुछ मरीज अलग अलग जगह निजी अस्पतालों में भी भर्ती हुए हैं। कुल 24 मरीज अगर हम जिक्र करें तो पूरे अस्पताल में पूरे भोपाल में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं हरदा से जुड़े हुए, लेकिन जिस अस्पताल में अभी इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हैं 12 मरीज पहुंचे, एक की डेथ हुई है, हालांकि जानकारी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसे उन्हें इलाज दिया जा रहा है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और दूसरा इससे एक संदेश भी जाता है, गंभीर कितनी गंभीर है सरकार ऐसे मामले को लेकर, घायलों को लेकर। दूसरा, हालांकि अभी प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने जो कहा भी था इस पर कि प्राथमिकता अभी सबसे पहले ये है कि कैसे लोगों को इलाज मुहैया हो, जल्द से जल्द लोगों को इलाज मुहैया कराया जाए, बाकी जो कार्रवाई है जो एक्शन है वो तो होगा ही, और जल्द से जल्द एक्शन होगा उन लोगों के खिलाफ जो लोग इसके दोषी हैं। हालांकि एक सवाल जरूर रहेगा कि जो अग्रवाल बंधु हैं जिन लोगों की ये फैक्ट्री थी, वो करीब 20 साल से फैक्ट्री चला रहे थे, बीच में पहले भी हादसे हुए, एक दो बार हादसे भी हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उन्हें जेल भी हुई, लेकिन फिर ये फैक्ट्री चालू हो गई, संचालित हो गई, हालांकि फैक्ट्री के पास अभी लाइसेंस नहीं था, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी, जब लाइसेंस नहीं था आपके पास तो क्या प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ था, या फिर अग्रवाल बंधुओं ने प्रशासन से कोई मिलीभगत कर ली थी, पुलिस प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से, वजह क्या थी। इन तमाम पहलुओं पर जरूर
शासन यानी कि सरकार जरूर गौर करेगी। संकेत दे दिए हैं मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, कि बेहद कड़ा एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ होगा। और हमें भी इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री अपने दौरे के बाद जब बाहर आएंगे तो बोलेंगे क्या। कुछ ही पलों में संभव है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से बाहर आए। पूरा कारकेड लगा हुआ है, कारकेड तैयार है और सूचना लगभग जो मिल रही थी कि मुख्यमंत्री आएंगे और आके सीधे वो अस्पताल के अंदर गए हैं। मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है, कोई भी सवालों का जवाब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नहीं दिया, लेकिन अभी जरूर कोशिश होगी कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, क्या दूसरी जगहों पर भी जो स्थितियां हैं, इससे पहले दमोह में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जहां ब्लास्ट हुआ था। हालांकि धार के माफ कीजिएगा हरदा के मामले में ये स्थिति कहीं ज्यादा बड़ी हो गई, कहीं ज्यादा विस्फोटक हो गई, क्योंकि सैलिन तस्वीरें दिखा भी रहे थे, जब बता भी रहे थे कि कैसे लगातार वहां पर अभी भी विस्फोट हो रहे हैं, टनों बारूद वहां पर इकट्ठा हो रखा था। तो क्या पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी या पुलिस प्रशासन ने, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव बाहर आए हैं। सर 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 जी भाई पीछे कौन है भाई? सर आप पेशेंट से मिलकर आए, कैसी हालत है उनकी? सर सफाई तो दिखे, नीचे कीजिए ना। सर हाथ से घायल लोगों को अचानक कैसे? हाथ तो छुप जाओ पहले। सर अंदर होकर आए हैं अभी, देख कर रहे हैं। देखो 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में, जो भी घायल है और करीब करीब सभी होश में, 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिलकर आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों के भी VC लिए और इस प्रकार के जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है, उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊंगा। क्या सर टोटल कैजुअल्टी कितनी आ रही है अभी? टोटल कैजुअल्टी 11 है। टोटल एक मिनट जी, सर कितनी? 11 सर कितनी? सर फैक्ट्री यहाँ नहीं जांच के आदेश, फैक्ट्री संचालक पर सर कार्रवाई करेंगे? 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। सर तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, हालांकि उन्होंने बताया है, जानकारी दी है और तो सुन रहे थे आप, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता भी रहे हैं, कार्रवाई की का भी हवाला वो दे रहे हैं कि एक्शन होगा, जो लोग जिम्मेदार है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो पहली प्रायोरिटी है, वही बात है कि पहली जो प्रायोरिटी है प्रशासन की, शासन की, कि भाई घायलों को जल्दी से जल्दी बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके, उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। सेटल हो जाइए प्रशांत, आप सेटल हो जाइए जी, लौटूंगी मैं आपके पास। CM यहाँ पहुंचे थे हमीदिया अस्पताल में, जहां पर उन्होंने घायलों का हाल जाना है। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी वहां से आपको जानकारी दे रहे थे। CM ने कहा कि 12 घायल यहां पर लाए गए थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई, अभी 11 घायलों का इलाज जारी है। क्या वहां पर किस तरह से इलाज किया जा रहा है, उसकी बात जानकारी खुद CM ने वहां हासिल की है और इस बात को लेकर भी CM ने कहा कि सख्त है प्रशासन, सख्त है सरकार और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार इस पूरे घटना को लेकर, खबर को लेकर हर पल की अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।